अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाया है बीफ यखनी पुलाव और आज हम आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमने इसके लिए बीफ लिया था, उसको मैंने ना बॉयल कर लिया था। यखनी पहले उसकी बनानी थी ना, तो मैंने उसके लिए बीफ को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। फिर उसके अंदर मैंने डाले थे खड़ा मसाला और एक लेमन काट के डाल दिया था, हरी मिर्च और प्याज भी साबुत डाला था। पर इसको फिर जितना पानी आप लोगों ने यखनी बनानी है उतना मैंने डाल के से बॉयल कर लिया था। बस 10-15 मिनट मैंने वेट दिया था और फिर आराम से गल गया था। इतना टाइम नहीं लिया था इसने, मैं 10-15 मिनट में जिस तरीके से गल गया था। और फिर गलने के बाद मैंने यखनी को ना स्टेन कर लिया था और जो गोश्त था वो अलग कर दिया था। जैसा कि वीडियो में आपको वेट नज़र आ रहा है, बस अब वेट इसका हो गया मुकम्मल। अब हमने इसको खोल दिया था ढक्कन इसका और यखनी भी अलग कर दिया, गोश्त के पीसेस भी अलग कर दिए थे। अब हम तैयारी करेंगे चावल बनाने की। और चावलों के लिए हमने एक उसी में मैंने कुकर में ही बना लिए थे। फिर मैंने उसमें एक बड़ा प्याज डाल दिया था काट के, और ऑयल में जब प्याज को अच्छी तरह मैंने ब्राउन करने के बाद मैंने वो अंदर वो डाल दिया था बीफ जो बॉयल किया था। पहले भून लिए थे मैं प्याज में, उसके बाद मैंने मसाले डाले थे वो चावलों के हिसाब से। नमक, सूरख मिर्च और धनिया पाउडर और साबुत मसाला और टमाटर डाले थे मैं एक काट के, और हरी मिर्च भी। उसके बाद दोबारा से अच्छी तरीके से भून लिया था। इसमें पानी ऐड करना जितने चावल हैं। फिर मैंने चावल डाल दिए जब पानी का बॉयल आ गया, और फिर जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा चावलों का तब हम इसे दम दे देंगे। और इस पॉइंट पे आप लोग ना नमक चेक कर सकते हैं, ज़्यादा अगर कम होता है ना चावलों में, कम होता है ज़्यादा तो नहीं होता, तो वो नमक चेक करने के बाद इसे दम दे दें। और फिर ये हमारे मज़ेदार से वाइट यखनी पुलाव तैयार है, और हम खाने में भी अच्छे से दिख रहे हैं। तो माशाल्लाह है इसकी लुक बहुत अच्छी। आप इस पुलाव के साथ रायता बना सकते हैं या कद्दू वाला बना रहे, क्योंकि आजकल गर्मियां हैं और कद्दू बहुत अच्छा होता है, ठंडा ठंडा उसका रायता बहुत मज़ेदार लगता है। और साथ सलाद, दोनों चीज़ें पुलाव सबको अच्छी लगती हैं। और ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और प्यार भरा है कॉमेंट भी।